नमस्कार, जय शर्म। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम लोग जानेंगे इस चैनल के माध्यम से कि ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि का व्रत किस दिन करना श्रेष्ठ रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं पूर्णिमा तिथि के ऊपर और अमावस्या तिथि के ऊपर। देखिए, पूर्णिमा तिथि और अमावस्या तिथि में अंतर क्या है। पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके, गंगा के तट पर स्नान आदि करके दान उपदान का विशेष महत्व बताया गया, और ये भगवान विष्णु हरि को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत श्रेष्ठ कर होता है। अमावस्या का जो व्रत होता है वह अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए होता है, पितरों को प्रसन्न करने के लिए होता है। बस यही समानता है दोनों व्रतों में। तो आइए जानते हैं इस वर्ष के ज्येष्ठ माह की जो पूर्णिमा तिथि का व्रत है वह किस दिन है। पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि 3 जून 2023 को सुबह 11:16 से शुरू होगी, जो कि 4 जून 2023 को सुबह 9:11 पर इसका समापन हो रहा है। तो 3 जून 2023 दिन शनिवार को ज्येष्ठ पूर्णिमा का अधिक समय प्राप्त होने के कारण जो व्रत है वह 3 जून दिन शनिवार को रखा जाएगा, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रमा को अर्घ देना शुभ माना जाता है और चंद्रमा के अर्घ देने से इस व्रत की पूर्ति होती है। और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है अपने सभी 16 कलाओं के साथ दिखते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जो पूर्णतः पूर्णिमा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा वह 3 तारीख को है। व्रत आदि के लिए श्रेष्ठ कर 3 तारीख को, और जो वट सावित्री का व्रत नहीं कर पाया तो वह भी इस 3 तारीख को ही वट सावित्री का व्रत रख सकते हैं और इस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। 4 तारीख दिन रविवार को गंगा स्नान आदि करना, दान उपदान करना श्रेष्ठ कर होगा। अब हम बात करेंगे उदया तिथि के अनुसार। देखिए, वही उदया तिथि के अनुसार 4 जून 2023 रविवार को पूर्णिमा तिथि का स्नान आदि व दान आदि विशेष करके फलदायी होगा। अब हम बात करते हैं चंद्रोदय का समय क्या होगा 3 जून 2023 दिन शनिवार का। तो 3 जून 2023 दिन शनिवार को चंद्रोदय का जो समय है वो 6:39 के साथ है। चंद्रमा को अर्घ आदि देकर आप अपने व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। बात करते हैं पूर्णिमा के व्रत में क्या कुछ करने से लाभ मिलेगा और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पूर्णिमा के व्रत में भगवान सत्यदेव जी का व्रत कथा का पाठ सुनना चाहिए या स्वयं पढ़ना चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को सुनाना चाहिए। इसमें भगवान विष्णु का पंचोपचार पूजन करके, जैसे उनको स्नान करा के, पंचम से स्नान करा के, पुनः जल से स्नान करा के, गंध अक्षत पुष्प से उनकी पूजन करें, पुष्प और तुलसी पत्र से उनकी पूजन करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें और उसके बाद से क्षमा याचना पूर्वक भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु जो भी ज्ञातवश हमसे जो भक्ति बनी वह हमने भक्ति पूर्वक आपकी सेवा अर्चना की उसे स्वीकार करें, ऐसा क्षमा याचना करके प्रार्थना करें और फिर सत्यदेव जी की सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ श्रवण करें व श्रवण कराएं और उसके पश्चात प्रसाद वितरण करके अगले दिन स्वयं भी ब्राह्मण भोजन करा के प्रसाद वितरण करें। पूर्णिमा के दिन खास करके दान उपदान करना विशेष फलदायी होता है और पूर्णिमा के दिन आपको किसी की चुगली करने से बचना चाहिए, किसी की निंदा करने से बचना चाहिए, दिन में शयन करने से बचना चाहिए अगर पूर्णिमा का व्रत है तो, और हो सके तो रात्रि क्रिया शारीरिक क्रियाओं से वंचित रहें। शुभ फल मिलेगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय श्री राम।